हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फाहद जमान। वेलकम टू इन्फो उर्दू। इस वीडियो में आपके लिए मैं विंडो 10 के जबरदस्त ट्रिक्स लेकर आया हूं, जिनको आप में से बहुत से लोग नहीं जानते। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रिक है हमारे पास, ऑटोमेटिकली लॉक योर पीसी। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने पीसी या लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं और ऐसे में आपको किसी काम से जाना पड़ जाता है और आप अपना लैपटॉप लॉक करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा आकर आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करे। इसके लिए आपको डायनेमिक लॉक को एनेबल करना है, जिससे आप जब भी अपने पीसी से उठकर जाएंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसके लिए आप अपने सेल फोन को ब्लूटूथ की मदद से पेयर करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लें। इसके बाद सेटिंग में अकाउंट्स में जाकर साइन इन ऑप्शंस पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें और डायनेमिक लॉक को एनेबल कर दें। तो अब जब भी आप अपने फ़ोन के साथ अपने लैपटॉप से कहीं भी दूर जाएंगे तो आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सेकेंड ट्रिक है फ्री अप स्टोरेज। अगर आपके पास SSD है या वैसे भी अगर सी पार्टीशन में लो स्टोरेज का मसला आता है तो विंडो 10 में इसका आसान हल मौजूद है। सेटिंग में जाकर सिस्टम पर क्लिक करें और स्टोरेज ऑप्शन में जाएं। यहां पर आपको हार्ड ड्राइव शो होगी, ड्राइव पर क्लिक करें। आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि आपका सिस्टम कितनी स्टोरेज इस्तेमाल कर रहा है और किस किस चीज़ में। यहाँ से आप टेम्परेरी फाइल्स पर क्लिक करके फाइल्स डिलीट कर सकते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होती। इसके अलावा डाउनलोड फोल्डर, एम्प्टी रिसाइकल बिन और प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़ की फाइल्स भी मौजूद हैं। अगर आप इसे बार बार डिलीट नहीं करना चाहते तो यहाँ से स्टोरेज सेंस को ऑन कर दें, तो जो टेम्परेरी फाइल्स 30 दिन से पुरानी होगी ये उन्हें ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। अगर आप रात के वक्त भी ज़्यादा देर तक कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप नाइट लाइट का शेड्यूल ऑन कर सकते हैं। इससे स्क्रीन की रोशनी आपकी आंखों को ज़्यादा नहीं पड़ती और आपकी आई साइट भी महफूज रहेगी। इसके लिए सिस्टम सेटिंग में जाकर डिस्प्ले के ऑप्शन में जाएं और नाइट लाइट को ऑन कर दें। आप इसके अलावा कलर टेम्परेचर भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि किस वक्त नाइट लाइट ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाए। नेक्स्ट ट्रिक है कि आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन अपने लैपटॉप पर कैसे हासिल कर सकते हो। अक्सर जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आप अपने फ़ोन को बार बार देखने की बजाय पीसी पर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोर्टाना ऐप को इंस्टॉल करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें आपने वही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लगाना है जो आप अपने पीसी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें और इसके बाद सेटिंग में जाएं और फिर साइन इन सेटिंग पर क्लिक करें और यहां से ऐप नोटिफिकेशन साइन इन को एनेबल कर दें और इसके बाद पीसी की सेटिंग में जाएं और कोर्टाना सेटिंग में नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और सेंड नोटिफिकेशन बिटवीन डिवाइसेस को एनेबल कर दें। इसके अलावा आप मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन एनेबल हैं, जिसमें मैसेज, कॉल्स, व्हाट्सएप वगैरह शामिल हैं। और इसमें जो मज़े की बात है कि आप सभी नोटिफिकेशन का अपने पीसी से ही रिप्लाई कर सकते हैं। अपने फ़ोन में तो हम कन्वर्सेशन के दौरान मुख्तलिफ एमोजीज यूज़ करते हैं, मगर पीसी में उन एमोजी को टाइप करने के लिए कीबोर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। तो विंडोज़ में इन एमोजी को हासिल करने के लिए टास्क बार पर राइट क्लिक करें और शो टच कीबोर्ड पर क्लिक करें। तो अब टच कीबोर्ड हर वक्त यहाँ पर मौजूद होगा। इसको ओपन करें, एमोजी सेक्शन में जाएँ तो आप अपनी मर्जी से ढेर सारी एमोजी सेंड कर सकते हैं। विंडो 10 में स्टेप्स रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप किसी को कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोर्टाना में स्टेप्स रिकॉर्डर को सर्च करके ओपन करें और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दें। अब आप जो भी वर्क करेंगे उसकी इमेजेस स्टेप्स बाय स्टेप्स रिकॉर्ड होती जाएंगी। जब कंप्लीट हो जाए इसको स्टॉप कर दें
और रिव्यू द रिकॉर्डर स्टेप्स पर क्लिक करें, आप इनको एक क्लिक से सेव कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर पर बहुत से स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और फिर उनको क्रॉप करते हैं तो ये थोड़ा अनॉइंग लगता है, मगर आप अपने रिक्वायर्ड एरिया का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड से विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करें और फिर उस एरिया को सिलेक्ट करें जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और इसके बाद आप इसे पेंट में कहीं भी पेस्ट करके सेव कर लें। अगर आपको वर्क के दौरान अपने पीसी को जल्दी से लॉक करना है तो ऐसे में मेन्यू बार से लॉक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप अपने कीबोर्ड से विंडो की प्लस एल को एक साथ प्रेस करें, आपका पीसी फौरन लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी विंडो 10 की कुछ कमाल की ट्रिक्स। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।